सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कीको। अब हम देखने वाले हैं इस पार्ट में इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, राइट, थ्रू आउट द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल द अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं। पासेस का बेसिकली यूज ये होता है, दे आर ज्योग्राफिकल फीचर्स, और वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, क्रॉस माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए हम पासेस का यूज करते हैं। हम हिंदी में इनको दर्रा भी बोलते हैं, राइट। तो अलग अलग पासेस हैं जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में या हिमालयन माउंटेन रेंजेस के अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पास है, दैट इज बनिहाल पास। इसका नाम आपने सुना भी होगा कई बार। बनिहाल पास इज बेसिकली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो ये देखिए, यहाँ से बनिहाल पास जो है, इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस वेरी पास, ये जो जम्मू कश्मीर का जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस का जो रीजन है जहां पे ये पाया जाता है, दैट इज बेसिकली दैट इज द पीर पंजाल वाला रेंज, राइट। सो इट इज अ माउंटेन पास अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल हमने देखा था, जस्कर और पीर पंजाल के बीच में जो श्रीनगर वैली है, तो पीर पंजाल माउंटेन रेंज जहां पे है वहीं पे ये बनिहाल पास लाई करता है, राइट। एंड इट इज एट एन मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ 2832 meters, ठीक है, लगभग 3000 मीटर के आसपास इसका एलिवेशन है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी पास कनेक्ट किन दो जगहों को करता है, ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना और पढ़ना। सो इट कनेक्ट बेसिकली कश्मीर वैली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द आउटर हिमालयस, राइट, एंड द प्लेन्स ऑफ द साउथ। तो जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, वहां पे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, यहां से जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है बनिहाल पास, दिस इज द बनिहाल पास, राइट। सो यहां से आपको देखने को मिलेगा बनिहाल पास, दिस इज द बनिहाल पास। अब ये बनिहाल पास ये बेसिकली कनेक्ट करता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज बेसिकली साउथ ऑफ कश्मीर वैली, राइट। सो दिस इज साउथ ऑफ कश्मीर वैली, राइट। और ये ऊपर वैली ही है इनफैक्ट, राइट। सो कश्मीर वैली के ही दो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का, नीचे जम्मू वाला रीजन भी आ जाता है बनिहाल पास से अगर आप निकल के आएंगे तो, और ऊपर कश्मीर वैली का प्रोमिनेंट जो रीजन है। सो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इनफैक्ट नॉट टू सेपरेट बट टू कनेक्ट, दिस वेरी पास बनिहाल पास इज यूज। तो बनिहाल पास यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, कश्मीर वैली और कश्मीर वैली के साउथ में जो रीजन्स है उनको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है। और ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस के उन इलाकों में से है जहां बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे आपको टिपिकल कश्मीरी जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलेगा, या टिपिकल हिमालयन क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। यहां से आप इमेजिन भी कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली द पास, राइट। तो इस तरीके से कुछ हमारा पहला पास है, दैट इज बनिहाल पास विच लाइज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। चलिए उसके बाद जो हमारा सेकेंड नंबर का पास है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पास है, दैट इज द चांगला पास। चांगला पास इज अगेन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट इज बेसिकली नाउडेज इट इज इन लद्दाख, राइट। सो ये अभी लद्दाख में जा चुका है, दिस इज इन लद्दाख। सो इट इज इन लद्दाख एंड इट हैज ऑल्सो गॉट अ वेरी हाई, यू कैन से, एलिवेशन ऑफ 17,586 feet, लगभग 5,360 मीटर के आसपास इसका एलिवेशन है, विच मेक्स इट यू नो वन ऑफ द हाइएस्ट मोटरेबल पास, राइट। एंड यहां से आप देख सकते हैं श्रीनगर एंड मनाली एंड करगिल एंड लेह, ऑल ऑफ देम आर लाइक नॉट सो फार अवे, राइट। चलिए ये जो है, ये बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पासेस इन इंडिया है, राइट। एंड इट इज ऑल्सो द थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास, जहां पे गाड़ियां चल सकती हैं, ऐसा थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द वर्ल्ड, राइट। और ये जब आप पैंगोंग सो लेक की तरफ जाते हैं, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर में लाई करता है, जिसको आपने कई बार देखा भी होगा मूवीज वगैरह में, अभी कुछ स्कफल भी चल रहा था इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में, वहां पे भी पैंगोंग सो लेक को हमने देखा था कि उसके ऊपर भी डिबेट चल रहा है। इट इज अ लेक विच हैज गॉट 1/3 ऑफ इट्स एरिया इनसाइड इंडिया एंड 2/3 ऑफ इट्स एरिया अंडर द चाइनीज यू नो ऑक्युपाइड
पार्ट ऑफ द टेरिटरी, राइट। सो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है दिस वेरी चांगला पास, और ये पैंगोंग सो वाला जो जो रीजन है वहां पे जाते टाइम ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। ऑल्टीट्यूड लगभग 5,360 मीटर के आसपास है, और इसका जो नाम है ये नाम एक फेमस सेंट के थ्रू आया जिसका नाम था चांगला बाबा, राइट। तो देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ टेल अराउंड दिस वेरी नेम, ठीक है, वो उस पे हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और ये एक टेम्पल भी है यहाँ पे चांगला बाबा की, विच स्टैंड्स हियर इज डेडिकेटेड टू हिम, ठीक है, उनके नाम पे। और ये लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का पास है, और ये इसका जो पूरा का मेंटेनेंस है ये कौन करता है, द इंडियन आर्मी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी इसका पूरा का मेंटेनेंस करती है इस पूरे के पूरे पास का, राइट। सो दिस इज द चांगला पास विच इज लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन, नॉट जम्मू एंड कश्मीर, इट इज इन लद्दाख। एंड दिस वेरी पास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द en route the Pangong So Lake, right? So this is the second important pass. Now, इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, this is the Changla Pass. पहला आपने यहाँ से देखा था बनिहाल पास, and then we have the Changla Pass over here. So this is the region where Changla Pass is located. तो लद्दाख और चाइना के border में। चलिए next जो हमारा पास है, जो third pass है, थर्ड इज खारदुंगला पास। इसका भी नाम आपने काफी सुना होगा, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी फेमस पास खारदुंगला पास। खारदुंगला पास इज अगेन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मोस्ट ऑफ द पासेस, क्योंकि ये पासेस जहां भी होंगे ये ऐसी जगह पे ही होंगे जहां पे माउंटेन्स काफी हाइट वाले हैं, काफी एलिवेशन वाले हैं, जहां पे जाना उतना आसान नहीं है। तो ऑब्वियसली दोज स्टेट्स आर लाइक जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरीज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, यही मेन स्टेट्स है जहां पे ये पासेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ पासेस साउथ इंडिया में भी है, जैसे कि पालघाट है, ठीक है, बोईरघाट है। तो इस तरीके के बहुत सारे पासेस हैं जो साउथ इंडिया में मिलेंगे, बट दे आर नॉट एज हाई एज और एज एलिवेटेड एज द पासेस ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस, उनके बारे में अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सो खारदुंगला पास इज एट एन एलिवेशन ऑफ 5,359 मीटर्स, विच मेक्स इट वन ऑफ द अगेन हाइएस्ट माउंटेन पासेस, ठीक है। तो खारदुंगला इज द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पे मोटरेबल रोड जो है वो कहां पे है, खारदुंगला पास में है, ठीक है। खारदुंगला पास की जो रोड्स हैं वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, राइट। नाउ इट इज एट एन हाई ऑल्टीट्यूड, ऑब्वियसली 5,359 मीटर के आसपास, एंड इट इज 40 किलोमीटर फ्रॉम ले, ठीक है, ले से 40 किलोमीटर के आसपास इसकी लोकेशन है। एंड इट इज द गेटवे टू द श्योक एंड नुब्रा वैली, ठीक है। तो श्योक और नुब्रा वैली के लिए, श्योक अभी आपने सुना होगा इंडिया और चाइना के बीच जब थोड़ा सा नोकझोंक हो रही थी तो उसमें श्योक वैली के आसपास ही हो रही थी, गलवान एंड देन श्योक एंड ऑल दिस वेर इन न्यूज, और नुब्रा वैली अगेन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, राइट। सो इनके लिए जो गेटवे है वो इसी पास खारदुंगला पास से होकर के ही जाता है, एंड इट हैज एन एनॉर्मस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। वाई? बिकॉज वहां से ना सिर्फ चाइना वाला पार्ट, बल्कि मतलब चाइना के साथ तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही इस पास से, अगर हम ये पास अगर बंद हुआ, ये पास अगर किसी भी तरीके से ब्रेक होता है या फिर यहाँ पे आवागमन बंद होता है, तो हमारी आर्मीज, हमारी बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट अभी आप देखेंगे जितने भी ये पासेस हैं इनको जो मैनेज करने वाली बॉडी है वो अपार्ट फ्रॉम आर्मी इट इज द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन्स ऑल द यू नो इट डज द मेंटेनेंस, इट टेक्स केयर ऑफ कुछ कहीं पे नया रोड बनाना है तो ये सब काम बीआरओ का यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, राइट। सो इसका भी बीआरओ यहां पे टेक केयर करती है, एंड इट हैज गॉट इनॉर्मस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग सप्लाईज टू द सियाचिन ग्लेशियर। सबसे इंपॉर्टेंट जो सियाचिन ग्लेशियर हमारा, जो कि हाईएस्ट एवर बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड है, वहां तक
चाहे वो आप एम्यूनिशन पहुंचाने की बात करें या फिर वहां पे आप नॉर्मल सप्लाईज खाना पीना पहुंचाने की बात करें, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। दिस वेरी पास द खारदुंगला पास, ये अगर बंद हुआ सियाचिन अगर वहां पे नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो खतरा है हमारे देश के लिए अगर वहां पे सप्लाईज अच्छे से नहीं गई थी। एंड सेकेंड लेह वाला या लद्दाख वाला बाकी का जो रीजन है वहां के लिए भी ये एक तरीके से करगिल एंड ऑल दोस प्लेसेस इनके लिए भी ये एक तरीके से लाइफ लाइन की तरह एक्ट करता है, राइट। सो दिस इज द खारदुंगला पास, राइट। खारदुंगला पास यहां पे आपने देखा, ये है हमारा खारदुंगला पास, दिस इज द खारदुंगला पास, राइट। यहां पे है ये बेसिकली, दिस इज द रीजन ऑफ करगिल एंड लेह एंड सियाचिन, ठीक है। तो इसी रीजन में ये लाई करता है, ठीक है। चलिए, और यहां से स्ट्रेटेजिकली चाइना के साथ भी हमारा जो रिलेशन है उसको लुक आफ्टर करने के लिए भी इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस इज द खारदुंगला पास। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज नामिका ला पास, राइट। सो नामिका ला पास जो है ये अगेन हाई माउंटेन पास है। इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है खारदुंगला से, दैट इज 3,700 meters, ठीक है, अलोंग द श्रीनगर ले हाईवे। ये कहाँ है? फिर से जम्मू एंड कश्मीर में, अलोंग द श्रीनगर ले हाईवे, एंड इट इज फेमस अमंग द माउंटेन पासेस ऑफ लद्दाख। फेमस क्यों है? क्योंकि ले और कारगिल के बीच में वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पासेस है इन इंडिया, एंड ले और कारगिल को कनेक्ट करने का काम ये पास करता है, विच इज नेम्ड एज नामिका ला पास। एंड यहां से आप देख सकते हैं अगेन ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ये आपको 12,198 feet के ऊपर दिखा रहा है, प्रोजेक्ट विजय किसका नाम है। सो बेसिकली ऑल दिस प्रोजेक्ट्स आर टेकन केयर बाय BRO, आइदर BRO और इंडियन आर्मी और कलेक्टिवली both take care of it, right? So this is the Namikala Pass situated in the state of Jammu and Kashmir and it connects Srinagar Leh Highway, right? तो ये है हमारा Namikala Pass, ठीक है। चलिए, तो ये सारे passes हुए। अब इसके बाद जो next हमारा pass है, यहां से next हमारा pass है वो है जोजिला पास। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा जोजिला पास, अगेन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ये जस्कर रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, जस्कर रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस, राइट। एंड द रोड गोइंग फ्रॉम श्रीनगर टू ले गोज थ्रू दिस पास। श्रीनगर से ले के बीच में कई सारे पास हैं, अभी हमने देखा था नामिकाला भी है, देन श्रीनगर टू ले, एंड इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंदस रिवर। तो इंदस रिवर जब बहती है तो बीच से एक पास यहाँ पे क्रिएट होता है, राइट, alongside it, or it is known as the Jojila Pass, right? At an altitude of around 11,516 feet, this very pic depicts, right? Again, BRO takes care of this very road, and this is basically Jojila Pass, जो कि श्रीनगर से लेह वाले हाईवे को कनेक्ट करता है, और अगेन लाइफलाइन है as far as people of Jammu and Kashmir as well as Leh are concerned, right? Especially Leh Ladakh वाला जो region है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू तक तो ठीक है, वहां तक हो जाता है, बनिहाल पास वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट वहां तक सप्लाईज पहुंच जाती है, लेकिन उसके ऊपर अगर सप्लाई ले जाना है Leh Ladakh वाले region में, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, and hence this is the Jojila Pass, right? ये यहाँ पे Jojila Pass आपको देखने को मिल रहा है, this very pass is the Jojila Pass, right? ये वाला पास है Jojila Pass, ठीक है, यहाँ पे आपको जोजिला पास देखने को मिल रहा है, दिस इज द जोजिला पास, ठीक है। अगेन लद्दाख, इधर लद्दाख है और इधर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए, तो ये जोजिला पास हो गया, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पास विच वी आर हैविंग इज बारालाचा पास, अगेन मेंटेन्ड बाई BRO एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4,850 meters, एंड दिस वेरी बारालाचा पास इज, ये देखिए, ये भी स्नो बाउंड पास है। ज्यादातर मतलब कि रोड जो है वो ब्लॉक रहती है, दोनों साइड स्नो है, बहुत हैवी स्नोफॉल होता है, ऑब्वियसली
सब जीरो टेम्परेचर्स होते हैं यहाँ पे, एंड दिस वेरी पास इज एन 8 किलोमीटर लॉन्ग पास, ठीक है, और कहाँ पे है, जस्कर रेंज इन लद्दाख। तो जस्कर रेंज के लद्दाख वाले रीजन में ये लाई करता है, और ये लेह मनाली हाईवे की तरफ है, यानी लेह से जब आप मनाली यानी हिमाचल प्रदेश की तरफ आते हैं, रोहतांग पास भी वहीं पे पड़ता है, वहां पे ये आपको भारालाचा पास देखने को मिलेगा, और ये कनेक्ट किसको करता है, लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख एंड लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति आपने सुना होगा, विच इज अगेन ए वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट नियर बाई रोहतांग पास। सो लद्दाख का लेह डिस्ट्रिक्ट एंड लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू हिमाचल प्रदेश। तो लेह से लाहौल तक का जो रास्ता है वहां पे 8 किलोमीटर का ये पास है, दैट इज नोन एज भारालाचा पास, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, राइट, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस ऑब्वियसली, ठीक है, इन इंडिया, एंड इट इज ऑल्सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ पीर पंजाल, जस्कर एंड ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भारालाचा पास है वहीं पे पीर पंजाल, जस्कर और ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस तीनों जा करके और वहां पे मिलते हैं, उनका मीटिंग पॉइंट है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वेरी भारालाचा पास। ठीक है, अलग अलग के पैरेलल पासेस हैं, चाहे वो पीर पंजाल हो, जस्कर हो, या ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ग्रेटर हिमालयन रेंज हो, ये तीनों जहां पे जाकर के मिल जाते हैं आपस में, और उसके बाद फिर लेसर हिमालय शुरू होता है, फिर उसके नीचे शिवालिक शुरू होता है, तो उस पॉइंट पे ये वाला पास लोकेटेड है, भारालाचा पास, राइट। यहां से आप देख भी सकते हैं जो हमारा भारालाचा पास है, राइट, तो ये वाला पॉइंट है भारालाचा पास। ठीक है, अब यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है लद्दाख, एंड दिस इज हिमाचल प्रदेश, राइट। इस तरीके से ये जो हमारी आती हैं अलग अलग रेंजेस, जस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालयन रेंज, ये तीनों आकर के यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आकर के ये कन्वर्ज करके और मिलती हैं। सो दिस वेरी रीजन इज नोन एज द, यू कैन से इन दिस वेरी रीजन क्या लोकेटेड है हमारे पास, यहाँ पे भारालाचा पास, राइट। सो दिस इज द भारालाचा पास, इज द भारालाचा पास, राइट। सो भारालाचा पास है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ये किसको कनेक्ट करता है, लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख एंड लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पास है रोहतांग पास, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास, रोहतांग पास के बारे में भी सभी ने सुना ही होगा, अगेन मेंटेन बाई बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज ऑल्सो एट अ वेरी हाई एलिवेशन लाइक ऑल अदर पासेस, ठीक है, जो कि अभी हमने देखे, एंड रोहतांग पास इज बेसिकली इट इज द गेटवे टू लाहौल, राइट। तो लाहौल को ये गेटवे, लाहौल कहाँ पे है, लाहौल है अभी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में, जब आप लेह से हिमाचल की तरफ आओगे तो सबसे पहले आपको लाहौल और स्पीति यही सब जगह पड़ेंगे, ठीक है। तो लाहौल के लिए गेटवे है एंड लाहौल एंड स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति का नाम आपने सुना ही होगा, वेरी फेमस वैली इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो स्पेक्टेकुलर डेस्टिनेशन एज फार एज द एंटायर कुल्लू रीजन इज कंसर्न। टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और ये लगभग मनाली से 51 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, एट अ हाइट ऑफ 3980 मीटर्स ऑन मनाली केलोंग हाईवे। तो मनाली से केलोंग की तरफ जो हाईवे जाता है उसमें मनाली से 51 किलोमीटर दूर एट ए हाइट ऑफ 3980 विच इज इक्विवेलेंट टू 4000 मीटर्स दिस वेरी रोहतांग पास इज लोकेटेड। ठीक है, ये लेह लद्दाख को कहाँ से कनेक्ट करता है, मनाली से। तो जब भी आप देखते होंगे कि लोग मोटरसाइकिल पे या फिर बाइक्स पे मनाली से लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं लाहौल स्पीति होते हुए, तो ये इसी पास का यूज करते हैं, रोहतांग पास। तो जब भी आप मनाली से या हिमाचल प्रदेश के आप से आप लेह या लद्दाख की तरफ मूव करेंगे तो यू विल हैव टू पास थ्रू दिस वेरी माउंटेन पास नोन एज द रोहतांग पास, राइट। तो दिस इज द रोहतांग पास, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि ये
सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला इलाका है ये पूरा का पूरा जो है आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, एज फार एज टूरिस्ट यू नो फुटफॉल इज कंसर्न। एंड काफी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे तो लोग काफी ज्यादा जाते हैं, जाना पसंद करते हैं, एंड हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको जो रोहतांग पास है वो यहाँ से देखने में समझ में आएगा, राइट। सो वी हैव ओवर हियर, ये है हमारा रोहतांग पास, ये रोहतांग पास है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मनाली एंड कुल्लू वैली, लाहौल स्पीति, ये सब देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर यहाँ लेह और लद्दाख वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली लद्दाख एज ए यूनिट टेरिटरी एंड लेह एज अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट। तो ये है हमारा रोहतांग पास, राइट। अभी हमने देखा बारालाचा एंड देन रोहतांग पास, ये रोहतांग पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट के फुटफॉल के हिसाब से भी और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है, लेह और लद्दाख से कनेक्ट करता है, यानी कि एक स्टेट को दूसरे यूनियन टेरिटरी से कनेक्ट करने वाली ओनली वन एंड ओनली रोड है, राइट, या वन एंड ओनली यू कैन से मोटरेबल गुड कंडीशन रोड है, राइट। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, ये साल के कुछ महीने ही खुला रहता है, बाकी टाइम पे यहाँ पे बर्फबारी होती है बहुत ज्यादा दबा के, तो ये पूरा का पूरा स्नो बाउंड रहता है, स्नो कवर्ड रहता है, और कुछ टाइम के लिए ये देखिए यहाँ पे आपको मशीन्स, ठीक है, आपको स्नो को हटाते हुए भी मिल जाएंगे। तो ये काफी 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 ज्यादा बिजी रहता है जब खुला रहता है, अदरवाइज ये कंप्लीटली क्लोज रहता है। तो दिस इज द रोहतांग पास। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शिपकिला पास। शिपकिला पास इज अगेन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज ए माउंटेन पास एंड बॉर्डर पोस्ट विथ ए डजन बिल्डिंग्स ऑफ सिग्निफिकेंट साइज ऑन द इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। ये इंडिया चाइना बॉर्डर में शिपकिला लाई करता है और ये दोनों है, माउंटेन पास भी है, माउंटेन पास प्लस माउंटेन पास के साथ साथ ये क्या है, बॉर्डर पोस्ट भी है यहां पे, बॉर्डर पोस्ट इंडियन आर्मी यहां पे देश की सुरक्षा करती है, राइट। और ये जो पास है ये रिवर सतलज जहां से एंटर करती है इंडिया में, तिब्बत से आते हुए मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, फिर तिब्बत के थ्रू फ्लो करती है, फिर इंडिया में जब एंटर करती है इन द रीजन ऑफ लद्दाख, तो यहां पे अगेन दिस इज इन द लद्दाख रीजन यूनियन टेरिटरी, राइट। तो जब ये लद्दाख में एंटर कर रही होती है वहीं पे ये पास लाई करता है, शिपकिला पास, राइट। तो यहां पे पास भी है, माउंटेन पास भी है और बॉर्डर पोस्ट भी है। तो दिस इज द शिपकिला, यहां से आप देख सकते हैं, अगेन बीआरओ इज द अथॉरिटी विच इज मेंटेनिंग दिस वेरी कंप्लीट पास, यहां से देख सकते हैं आप, राइट। ये है हमारा शिपकिला पास, ठीक है, ये रहा शिपकिला पास, ये आप देख सकते हैं। इस साइड क्या है, इधर है हमारे पास तिब्बत, तिब्बत, और इधर आपके पास क्या है, इधर है आपके पास लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। तो तिब्बत और लद्दाख को ये एक तरीके से कनेक्ट करता है और यहां से आपको सतलज रिवर भी फ्लो करती हुई मिलेगी, ठीक है, जहां से सतलज एंटर करती है वहीं पे ये पास लोकेटेड है, द शिपकिला पास। चलिए अब नेक्स्ट पास की तरफ हम मूव करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिलेपला पास। जिलेपला पास कहां पे है, सिक्किम में है, ये काफी घुमावदार यहां पे रास्ता है और ये सिक्किम और साथ ही साथ लासा जो कि तिब्बत का रीजन है, कैपिटल ऑफ तिब्बत, तो वहां पे इन दोनों को कनेक्ट करता है। सो दिस पास इज बेसिकली पासेस थ्रू द चुंबी वैली ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस एंड इट कनेक्ट्स द सिक्किम वैली विद द लासा द कैपिटल ऑफ तिब्बत। तो यहां से आप देख सकते हैं ये है जिलेपला पास, दिस इज द जिलेपला पास, ये है लासा, यहाँ पे लासा है, दिस इज द कंप्लीट एरिया ऑफ इंडिया, यहाँ पे सिक्किम है, गंगटॉक है इसकी राजधानी। तो नाथुला पास भी यहीं पे है और जिलेपला पास भी यहीं पे है। जिलेपला ये देखिए ये बॉर्डर करता है किसके साथ, ये है हमारा सिक्किम एंड दिस वेरी रीजन इज द तिब्बत, ये हमारा तिब्बत है और ये हमारा सिक्किम है। तो सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करने वाला ये पास है जिलेपला पास, सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इट सेपरेट्स सिक्किम एंड लासा द कैपिटल ऑफ तिब्बत, राइट। चलिए हालांकि यहां से आपने देख लिया, यहां से भी आप देख सकते हैं ये जो हमारा पास है
शिपकिला पास, तो शिपकिला पास आपको यहाँ पे मिलेगा, जलेपला सॉरी, ये है जलेपला पास, दिस इज द जलेपला पास, ये देखिए, और ये है नाथुला पास, यहाँ पे आपको जलेपला मिलेगा, जलेपला पास किसको किसको कनेक्ट करता है, सिक्किम एंड तिब्बत, ठीक है, या लासा द कैपिटल ऑफ तिब्बत। चलिए तो दिस इज द जलेपला पास, जलेपला के बाद अनदर इंपॉर्टेंट इज नाथुला, दोनों आसपास ही लिक्विटेड है, अगेन इन सिक्किम, और नाथुला जो है ये पूरा का पूरा सिक्किम में है। इट ये पास फेमस इसलिए है क्योंकि ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे लोकेटेड है, और इंडिया और चाइना यानी तिब्बत वाला जो रीजन है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, वहां पे जाने के लिए या इस पार से उस पार जाने के लिए इसका यूज बहुत ही फ्रिक्वेंटली किया जाता है, राइट। और इसको रीओपन किया गया था 2006 में, उससे पहले ये बंद हो गया था बीच में, ठीक है। और ये पुराना जो सिल्क रूट था जो कि चाइना के थ्रू होकर के जाता था, जो कि मानसरोवर वाले रास्ते से भी जाता था, तो ये सिल्क रूट का पार्ट था, सिल्क रूट यही नाथुला पास से ही होकर के जाता था, और ये इंडिया और चाइना के बीच में वन ऑफ द ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट है। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो भी ट्रेड्स होते हैं या जो भी मिलिट्री यू नो एंगेजमेंट्स होते हैं, उसमें नाथुला पास का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इट सेपरेट्स तिब्बत फ्रॉम द सिक्किम, राइट। तो ये है हमारा नाथुला पास, ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज द नाथुला पास, यहाँ से सिक्किम और यानी कि इंडिया और चाइना को ये सेपरेट करता है, राइट। सो दिस इज द नाथुला पास सिचुएटेड इन द सिक्किम अलोंग विद द जलेपला पास, जो कि सिक्किम में अगेन बॉर्डरिंग तिब्बत, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास लिपुलेख पास। लिपुलेख के बारे में लास्ट ईयर काफी सारा प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि फेस करने को मिल रहा था, इंडियन आर्मी और नेपाल और चाइनीज आर्मी सब इसमें इन्वॉल्व थे। तो लिपुलेख पास जो है ये बेसिकली उत्तराखंड में सिचुएटेड है, राइट। सो दिस इज द लिपुलेख पास, ये यहाँ पे लिपुलेख पास आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द लिपुलेख पास, ठीक है, लिपुलेख पास है। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर वाला जो रास्ता है उसके लिए भी इसका यूज होता है। नाउ ये कनेक्ट करता है किसको, उत्तराखंड और तिब्बत को, उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है, और ये एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट है चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। जैसे नाथुला था, जलेपला था, वैसे ही लिपुलेक भी, क्योंकि तिब्बत इज अ रीजन ऑफ, बेसिकली उसको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बोलते हैं, बट इज अ पार्ट ऑफ चाइना एज चाइना सेज, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, और जो पिलिग्रिमेज है कहाँ के लिए, मानसरोवर के लिए, वो इसी पास से होकर के जाता है। ये देखिए यहाँ पे है आपको कैलाश मानसरोवर, राइट, ये कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत जिसको हम बोलते हैं, वहाँ जाने के लिए ये जो रास्ता है इसमें लिपुलेख पास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। सो दिस इज द लिपुलेख पास इन द सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, बिटवीन उत्तराखंड एंड तिब्बत द रीजन ऑफ चाइना। तो लिपुलेख पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली ये जो वाला जो रीजन है ना, ये बॉर्डर करता है यहाँ पे इधर चाइना, इधर नेपाल और इधर इंडिया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे तीनों का इंटरेस्ट है, इसलिए काफी ज्यादा ये चर्चा में रहा है पिछले कुछ सालों में, राइट। तो दिस इज द लिपुलेख पास सिचुएटेड इन द उत्तराखंड। चलिए यहां से भी आप देख सकते हैं, हालांकि यहां से आपने देख लिया है, बट यू कैन सी इट फ्रॉम हियर एज वेल, ये है हमारा लिपुलेख पास यहां पे, दिस इज द लिपुलेख, चाइना नेपाल, और इधर चाइना है, इधर नेपाल है और इधर इंडिया है, राइट। चलिए इसके सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, नॉट ओनली इन द CDS NDA FCAT एग्जामिनेशन, बल्कि और भी अलग अलग जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। और साथ ही साथ अभी इसी पासेस के ऊपर एक सवाल आया था KBC में, राइट, कि नाथुला एंड लिपुलेख एंड वन मोर वॉज देयर, कि ये क्या है, ये माउंटेन पासेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, या फिर रिवर्स हैं, या क्या है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था,
चलिए तो लिपुलेख हमने देख लिया, लिपुलेख के बाद नेक्स्ट है मनापास। मनापास जो है वो कहां पे है, ग्रेटर हिमालयन रीजन में है और ये है उत्तराखंड के अंदर, अगेन कनेक्ट उत्तराखंड एंड तिब्बत। ठीक है, तो उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का, देखिए यहां से भी आपको दिख रहा होगा, लास्ट इंडियन विलेज, अगेन मेंटेन बाय बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बीआरओ इसको मेंटेन करता है और ये उत्तराखंड के अंदर है, दिस इज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, अगर हम इंडिया की बात करें। ठीक है, और उत्तराखंड को कनेक्ट किससे करता है, तिब्बत, विच इज द रीजन ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पे लाई करता है, राइट, दिस इज द मनापास एंड इट रिमेन्स अंडर स्नो फॉर 6 months ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर के टाइम पे नॉर्मली स्नो बाउंड ही रहता है। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाएंगे NH 58 के थ्रू, तो आपको कई जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा कि मनापास की डिस्टेंस अब इतनी बची है, 500, 400, 300, राइट, 200। तो इस तरीके से ये मनापास वही इलाका है, वही रीजन है जो कि इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। एंड दिस वेरी मनापास यू नो इज ऑल्सो फेमस बिकॉज द लास्ट इंडियन विलेज लाइज इन दिस वेरी रीजन। लास्ट इंडियन विलेज का अगर आप देखें तो कोई ऐसा श्योर शॉट ये नहीं है कि यही लास्ट इंडियन विलेज है, तो हर बॉर्डर में लास्ट होगा, बट उत्तराखंड में हम उसी को लास्ट इंडियन विलेज मानते हैं, राइट। चलिए, तो दिस इज द मनापास। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस एज फार एज इंडिया या इंडियन हिमालयन रेंज इज कंसर्न। ठीक है, यहां पे आपने देखा मनापास भी आपको इसी रीजन में यहां पे देखने को मिलेगा, दिस इज द मनापास। मनापास इसके अलावा भी कुछ और पासेस हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बोमडिला पास है। बोमडिला पास आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा, अरुणाचल। दिहांग पास है, दिहांग पास अगेन तिब्बत और अरुणाचल। दिफर पास है अरुणाचल के अंदर, फिर इसके अलावा डिफू पास है अगेन इन अरुणाचल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पासेस हैं। कुछ और छोटे छोटे पासेस हैं जो कि यहाँ पे लाई करते हैं, तो वी डू नॉट हैव टू डील विद देम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पासेस थे। दिहांग पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिहांग कनेक्ट करता है किसको, दिहांग पास कनेक्ट वी कैन से दिहांग पास कनेक्ट्स विच टू पार्ट्स, इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ चाइना, राइट। तो दिस इज द दिहांग पास, गॉट इट। चलिए, और भी दिफू पास भी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ये सारे पासेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको हमने देखा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इसको ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।